ବିଜେପି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ନୟାଗଡ଼ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି କିଏ? नयगढ़ त्रिनाथ छक कांग्रेस कर्मी मैंने कला ब्यास पिंधि कला बेलून देखा विरोध प्रदर्शन करते धारणा बेले कांग्रेस दल पक्ष प्रथम महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करते कांग्रेस कर्मी मैंने नवीन सरकार गणतंत्र को हत्या कर दक्षिण दलाल ओडिशा को लुंठन करो ब्याक नारा दे देखा मिले देखु आम आज गोटे सरकारी कर्मचारी को जो भाई भाव में जिले में मुख्यमंत्री कायदारे आज पदमर्यादा भाई सुरक्षा दि जाऊँ सम्मान दि जाऊँ गणतंत्र को हत्या करा कारण नयगढ़ जिलावासी 12 लाख लोकर जनादेश को आज जो अपमानित करजु जनता दल सरकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गणतंत्र को हत्या करे सचिव असंवैधानिक गस्त को वर्तमान जिला प्रशासन जो भाव में सुरक्षा व्यवस्था कथा कहतु सम्मान व्यवस्था कथा कहतु हेलिकॉप्टर एमने ब्लॉक ब्लॉक बुलूं एभली लोक मान विधायक मैंने जाकर खुंटी पत आरंभ कर केमती लोक आसवे 500 टका लेखा दि जा लोक अणा जाटा अस्वीकार कले भी भाई सत्य सत्य आम पाखे प्रमाण भी अच्छी कलेज पा आज जोर जबरदस्त धमक देकर कलेज को बंद करा क्या निर्देश आज कलेज बंद करज पा आज नयगढ़ कलेज को अणा जो पाने कलेज आसबे डोज आर फाउंड अबसेंट 200 टका फाइन भी लिखाई ये सब कौन चली लोक मैंने सीधा सड़क भाव में गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र में एमएलए को भोट देते एमएलए मैंने से कम करने कथा आज गोटे सचिव पाई जो भाव में मैंने गोड़ चटा कम कर गोटे अमलतंत्र गोड़ चाटले बर्तमान विधायक मैंने आज लुंडनकारी महमूद ओडिशा लुंडनकारी महमूद जो नयगढ़ गस्त आज प्रशासन सहजल आप देखते रास्ता कटे लोक मूँ उठा उठे दि जाए आज अंडा टमाटो नयगढ़ में बिक्री बंद कर दी प्रशासन एवं विरोधी दल मान बारंबार थाना को डाकिकी कहु किसी कार्य करना ये भयभीत कौन पाई 24 वर्ष विजु जनता दल शासन में आहरी 500 टका देक लोक आने कहीं लोक कौन सही आसुना महिला मैंने सही आसुना तेनाली जो मैंने गांधीगिरी कथा कहते गांधी अवेषणा कथा कहते जो राजनेता मैंने भाई प्रश्न रखी आप आगे उत्तर देवाई उत्तर देवाई कहू गांधी वाणी नीति में क्या लिखाई जे गोटे अमलतंत्र गोटे अमलतंत्र गोड़ चाटिया तेनालीबाद गणतंत्र को हत्या करवाद में आम आज गांधी मूर्ति नयगढ़ त्रिनाथ छक गांधी मूर्ति पाखे कांग्रेस कर्मी मैंने सम्मिलित होते वर्षा भाग सत्वे आज सम्मित होचु कला पता देखु कला बेलून उड़ेलु आपको आम विरोध करुँ।